फेफड़े में कैंसर पीड़ितों के लिए खुशखबरी। कैंसर संस्थान में दूरबीन विधि से शुरू हुई फेफड़े की सर्जरी। कैंसर अस्पताल में रोज यूपी बिहार झारखंड तक के कैंसर पीड़ित आते हैं। ओपीडी में परामर्श के बाद डॉक्टर कुछ जांच लिखते हैं। गंभीर कैंसर पीड़ितों की सर्जरी भी होती है। अब सुविधाएं और बढ़ा दी गई हैं। दूरबीन विधि से फेफड़े में कैंसर की पहचान हो रही है, सर्जरी से राहत भी मिल रही है। फेफड़े में कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में दूरबीन विधि से सर्जरी शुरू हो गई है। अब चीरे का डर नहीं सताएगा, साथ ही सर्जरी के बाद अस्पताल से 4 दिन के भीतर छुट्टी भी मिल जाएगी। इस विधि से एक कैंसर पीड़ित की 2 दिन पहले सर्जरी की गई है। कैंसर अस्पताल में रोज यूपी बिहार झारखंड तक के कैंसर पीड़ित आते हैं। ओपीडी में परामर्श के बाद डॉक्टर कुछ जांच लिखते हैं। गंभीर कैंसर पीड़ितों की सर्जरी भी होती है। अब सुविधाएं और बढ़ा दी गई हैं। दूरबीन विधि से फेफड़े में कैंसर की पहचान हो रही है, सर्जरी से राहत भी मिल रही है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर दुर्गतोष पांडे ने बताया कि पहले फेफड़े के कैंसर की सर्जरी में चीरफाड़ की जाती थी, लेकिन अब दूरबीन विधि से सर्जरी की जा रही है। इससे घाव कम होगा। सर्जरी के 4 दिन बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।